नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, टिप्टो हरियाणा चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम पानीपत के नांगलखेड़ी गांव से आप लोगों के सामने लाइव आए हैं। और तस्वीरें मैं आप लोगों को लाइव आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये इको गाड़ी है और इसमें एक जो ड्राइवर था, गांव वालों का आरोप है कि वो दारू पिए हुए था और इस प्रकार से एक्सीडेंट हो रखा है। आप लोग देख सकते हैं, दुकान का सामान गली में पड़ा हुआ है। और कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस चीज़ की जो बात बता पाएंगे वो दुकानदार खुद ही हैं, तो सबसे पहले बातचीत करेंगे। हाँ जी, क्या कुछ कैसे हुई है ये एक्सीडेंट जो आपकी दुकान के काउंटर तक आ गया? इसका देखो जी, बाहर का ये मेरे को मालूम नहीं, मैं अंदर हूँ और गाड़ी स्पीड से आई तो यहाँ गद गई, खड मारी। मैं कुर्सी पर बैठा था और मेरे को पीछे जाकर मैं गया है और मैंने नहीं पता इसमें कौन था कौन नहीं। अच्छा, किस टाइम की घटना है ये घटना? देखो ईशा को टाइम तो है, मैं एक घंटा हो गया हुआ। पुलिस आई थी? आई थी। अच्छा, जो ड्राइवर था उसको लेके गई है ना? किसको लेके गई है? मालिक को, मालिक ने कहा लेके गया। अच्छा, ये भी बता रहे हैं दुकान जो ड्राइवर था वो दारू पी हुए था, ऐसा कुछ है? देखो जी, मैंने तो देखे नहीं, मैंने तो ध्यान ही नहीं, मैं इस बात का कैसे कह दूंगा। लगभग कितना नुकसान हुआ आपको? नुकसान तो मेरा ये खिंडा फिटा सारा सामान, ये टूट गई, ये दीवार टूट गई, इसका फोटो ले दो, ये दीवार टूट गई है, मकान चोट वगैरह भी लगी? हाँ जी, चोट ये लग रही है, देख ये दोनों साइड में लग रही है, इस पर भी। तस्वीरों में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो दुकानदार है सीधी आके उसको टक्कर लगी और वो दुकान के पीछे जाके गिरा। और बताया भी उसको चोटें वगैरह भी आई है। और यहाँ के गांव के लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ जी सर, क्या कुछ देखा आपने, क्या कुछ पता लगा? मेरे आने से पहले ही हादसा हो लिया था। मैं इधर से निकल के गया था घर की तरफ, वापसी में आगे देखा था इधर ठोकर रखी थी इसने गाड़ी। अच्छा, यहाँ पर एक व्यक्ति है जिन्होंने सूचना दी थी फोन करके। हाँ जी भाई, सब ये कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? यहाँ पे दारू पी रहे थे, एक पास में मकान है किराए पे, और वो एक जना उसमें से गाड़ी स्टार्ट करके फुल रफ्तार में लेके आया, कम से कम 80-90 की स्पीड थी उसकी, तो वो लेके आया उसने यहाँ पे, पहले यहाँ पे लगाई गाड़ी, वहाँ से स्टेयरिंग घूमते हुए यहाँ पे, शुक्र है बच्चे नहीं थे यहाँ पे, ना कोई बुजुर्ग था नहीं, हमेशा यहाँ पे बैठे रहता था कोई ना कोई, बस यहाँ पे बचाव हो गया इतना ही बहुत है। लेकिन वो फुल दारू पी रहा था। हाँ, पहले यहाँ बाइक थी, यहाँ पे बाइक को टक्कर मारी, वो उधर जाके पड़ी, ठीक है, फिर यहाँ पे आगे गाड़ी इसमें शटर में जाके लग गई और उसको पुलिस वाले ले गए हैं जिसकी गाड़ी थी, लेकिन जो पिया हुआ था वो लड़का यहाँ से वो अपने कमरे में भाग गया। तो अभी यहाँ पर एक आप देख भी सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर टूट फूट भी हुई है, जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। एक खंभा भी जो कि जो सोलर पैनल का है वो भी खंभा टूटा हुआ है। और आप लोग ये बियर की बोतल है उसकी जो कांच है वो आप लोग तस्वीरों में आप लोग देख पा रहे हैं। और ये खंभा है जो जैसे ही इको गाड़ी की टक्कर लगी ये खंभा बिल्कुल टूट चुका है और इस पर सोलर पैनल लगा हुआ था, ये गली की लाइट के लिए है। और अभी हम उस पार भी आप लोगों को जो कि गांव वाले बता रहे हैं बाइक है और बाइक को इतनी बुरी तरीके से टक्कर मारी है कि बाइक उस तरफ जाके गिरी है और बहुत ज़्यादा टूट फूट भी हो रखी है बाइक में। और तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर करें। और ये वो बाइक है जिसको एक्सीडेंट के दौरान ये टूट चुकी है, आप लोग हेडलाइट इसकी देख सकते हो और सारा का सारा इसका जो सामान है इखर बिखर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो कुछ युवा साथी उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपने देखा था? ना भाई, मैं तो लेट आ रहा, पर यहाँ वहाँ पे खड़ी थी बाइक, वहाँ पे लगी थी, वहाँ से लग के यहाँ तक घिसटी हुई आई थी, यहाँ से घिसटते हुए घिसटती हुई आई थी, फिर यहाँ से खड़ी करी बाद में, ये बाद में। अच्छा, क्या कुछ हुआ था? जो इसने बताया हुआ था, यहाँ पर कुछ युवा हैं, इन्होंने देखा नहीं है लेकिन जो बताया है, जो इन्होंने सुना है वही इन्होंने बताया है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आरोप गांव वालों का ये है, जो ड्राइवर है वो अपने घर में जाके जा चुका है लेकिन जो गाड़ी का मालिक है उसको पुलिस लेके जा चुकी है। और इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मनीष कुमार पानीपत से।